मामूली विवाद से वाड़ी में बदमाश विक्की चव्हाण की हत्या। वाड़ी में बदमाश की हत्या से सनसनी फैली। रविवार को रात 12 बजे के करीब वाड़ी के चतुर्भुज लेआउट में कुख्यात बदमाश विक्की चव्हाण की हत्या की गई, जबकि उसका मित्र टेकरीवाड़ी निवासी अभिषेक मेहर गंभीर रूप से घायल बताया गया। वाड़ी के निजी अस्पताल में अभिषेक उपचार ले रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ताजली लेआउट साई मंदिर नागलवाड़ी रोड निवासी अर्पित नरेंद्र निम्बुरकर चतुर्भुज लेआउट प्लॉट नंबर 68 वाड़ी निवासी अपने घर के सामने खड़े थे। उतने में बदमाश विक्की आया व दोनों को धमकी देने लगा। बेवजह से विक्की दोनों आरोपियों को धमकाने से आरोपियों ने समझाया, लेकिन विक्की नहीं समझा। विक्की घर गया व घर से बाइक पर अपने मित्र के साथ चाकू लेकर आरोपियों के घर पहुंचा व चाकू निकाल कर बस्ती में सयाम चाकू लेकर दोनों आरोपियों पर चढ़ा। विक्की दोनों को मारता उसके पहले दोनों ने विक्की के ही चाकू से विक्की के पेट पर सपा सपार कर दिया। घटना रात की होने से विक्की को कोई नहीं बचा पाया। विक्की का मित्र भी गंभीर रूप से घायल बताया गया है। वाड़ी पुलिस में विक्की के खिलाफ कई मामले दर्ज है। एक माह के पहले ही विक्की जेल से रिहा हुआ। जेल के बाहर आते ही विक्की ने वाड़ी में बदमाशगिरी शुरू कर दी थी। पिछले माह में ही विक्की का गेम कुछ बदमाशों के हाथों हो रहा था, लेकिन तब भी उसके मित्र को ही निशाना बनाया गया था। लेकिन इस बार विक्की की हत्या बदमाशों ने नहीं की है, दोनों आरोपी शरीफ बताए गए। पुलिस को लग रहा था कि विक्की का गेम फरार आरोपियों ने बचाया। पुलिस ने अलग दिशाओं पर जांच करने पर आरोपी का पुलिस ने पता लगाया व दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। विक्की भरत सहारे गैंग का बताया गया। वाड़ी में अम्बेडकर नगर में भी गैंगवार भड़कने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने इस पर शिकंजा नहीं कसने से गैंगवार सक्रिय हो रहा है। पुलिस की लापरवाही से 6 माह से वाड़ी में असामाजिक तत्व के साथ गैंगवार सक्रिय हुए और गैंगवार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। शिवाजी नगर दखनी मोहल्ले में विक्की चव्हाण रहता था। विक्की के पिता हमाली का काम करता है, माँ भी घरेलू काम करती है। एनबीसी न्यूज के लिए बाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। त्याची दुश्मनी काय आम्हाला तर काही माहित नव्हतं, पण त्याचा बट तो सुधरला होता, त्याचा काही झगडी उडी झाला नाही। तो रात्री मला त्याने मला फोन पण केला, मी त्याला फोन पण केला का म्हटलं तू कुठे आहे, म्हटलं बाहेर मी येत आहे म्हणून। तर बघ तो इथून आपला इथून रोडावरून आला इकडं, पण इथं काय त्यांचा मॅटर होतं काय माहित नाही। त्याला काय झालं त्यांचं कोणी पुट्ट्यानं त्यांना घेरलं आणि त्याला मारलं, तसं आम्हाला काय माहिती। मला फोन आला मी बस घरून आलोच, घरून आलो तर मला इथे दिसला पुसलं, त्याला उचललं पुसलांनी आणि त्याला दवाखान दिलं। तर डॉक्टरने म्हटलं का ते मरण पावला म्हणून, तर अशी त्याने कोणती दुश्मनी होती नाही म्हणा, हा आता कोणते झगडे बोलतो आणि सुटलेला होता। ते समोर बघितलं मित्र होता, ते मित्र अभिषेक मेरे म्हणून, त्याला पण मारलं म्हणा, त्याला डोक्याला त्याला घाव आहे, त्याला सगळं माहित आहे काय कसं झालं काय झालं म्हणून, कामी कुठे होतं काय होतं। तो कुठे तो आता बेलते दवाखान्यामध्ये। कोणी कोणी संशयित? संशयित म्हणजे कसं होतं त्यालाच माहित असेल ना, जिला मारला अभिषेकला त्यालाच माहित असेल का कोणी मारला काय मारला कसं झालं काय झालं, तर आम्हाला काही माहित नाही कसं मॅटर काय झालं काय झालं एकदम कसं अचानक काय झालं म्हणून। तर अभिषेक जो मेरे आहे तो सोबत विक्की सोबत होता, त्याला विक्कीला त्याला जेव्हा विक्कीला मारलं तो त्याच्या सोबत होता, त्याला पण मारलं होतं, विक्कीला पण अभिषेकला पण मारलं। तर अभिषेक डोक्यात त्याला डोक्यात मार लागलाय, तो अभिषेक खालत बोलला होता, अभिषेक काय उठला नाही, तर विक्कीला मारला। तर अभिषेकनं म्हणजे तेव्हा तू स्पॉटवर पुलिस आले, तर असं आम्हाला माहित पडलं तर आम्ही स्पॉटवर आलो, मला जसं विक्की दिसलं म्हणजे विक्कीला उचललं मी, त्याच्यावर पुलिस आले, तर जसं आम्ही त्याला दवाखान्या